सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलो चला। अभी मैंने साहिल को देखा, वो मिला मुझे। क्या? वो नेत्रा का बॉयफ्रेंड? हाँ मिला, मेरे से बात करने की कोशिश की। हफी उसके पास पैसा था, बहुत सारा कैश था उसके पास। कैश? क्या कैश कैसे आया उसके पास? नहीं पता, उसने मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ना पक्का यकीन है ये उसी इंसान ने उसे पैसे दिए जो इस सब खेल का मास्टरमाइंड है। मतलब जिसने ये सब साजिश की, जिसने नेत्रा को मेरी लाइफ में लाया है, वही? हाँ। देख रही है नेत्रा कहाँ है ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मैंने ना तुम्हें एक और बात नहीं बताई, वो साहिल है ना मुझे ब्लेम कर रहा था कि मैंने नेत्रा के साथ मारपीट की, उस पर हाथ उठाया और फिर उसे बेहोश कर दिया। तुमने बेहोश, तुम्हें ब्लेम कर रहा था, पर क्यों? नहीं पता। अरे इसका मतलब नेत्रा को कुछ हुआ है क्या? या फिर ये भी हो सकता है कि नेत्रा की कोई नई चाल हो। भाई भाई भाभी यार तुम बोलो यहाँ क्या करो, नीचे चलो ना, मीडिया वाले बातें बना रहे हैं। क्या करना है? अरे तुम सही कह रहे हो, हम पर इंजाम आएगा और लड़की नेत्रा उसका कोई भरोसा नहीं, वो कहाँ है अभी कुछ पता नहीं है। बेटर होगा कि हम सब नीचे जाते हैं, अभी इस वक्त हम लोगों का सबके सामने होना बहुत जरूरी है, हमें फौरन नीचे चलना चाहिए। चलो चलते हैं। अरे चस्ती भाई, भगवान के घर से ऊपर से बरस रहा है। अरे भाई आज तो लौटने लग गई यार, तो तुम्हें तो खतरा लग गया चस्ती भाई। हमें तो वही उठाने, उसके भी पैसे देंगे हमें चस्ती भाई। और इतने सारे पैसे, तो आज तो पैसे ही पैसे हैं भाई। अरे बैग तो भाई, इतने सारे पैसे भाई, हमारे पैसे गिर गए थे, हम इन्हें उठा रहे हैं। अभी भाई मैं कहते को फेसबुक दिखता हूँ, मेरे को बोला था ये बैग है। चाला शांति नहीं, हमसे होशियारी मत करना, तुझे पता है हम लोग कौन है। तू कोई भी हो, बोला ना ये बैग मेरा बैग है। मतलब जो की तरह लड़ाई जा रहा है, दिमाग बहुत खराब है ना, और खराब मत करो। पैसे मेरे आपके? हाँ मैंने दिए थे उसको, अब ये उसके। हाँ मैंने भाई, ये तू तेरे से क्या इतनी मोटी रकम दबा नहीं खाती, ऊपर से उड़ा के नीचे क्या नया नाच रही थी, अगर अभी हो गया फिर पॉकेट में नहीं पॉकेट में हो गई उसकी वजह से सब। बंद करो जो काम करे ना काम करे, चलते लड़की को उठाना है ना, तो लॉटरी लगो थोड़ी पैसे भाई लगेगी ना मेरी, इसकी वजह से गाड़ी लेकर घर के बाहर पार्क किया, आप जल्दी लाओ भाभी को, चलते यहाँ से। आगे पूरी आप लोग कहाँ थे अभी तक? और नेत्रा मैडम वो कहाँ है, वो मैं दिखाई नहीं दे रही कहीं। क्या हुआ आप दोनों चुप क्यों हैं, सब ठीक है ना? संगीत हो रहा है ना, शादी हो रही है ये, और नेत्रा मैडम कहाँ है, मेरा मतलब कहीं बात या अलग तरफ नहीं चली गई कुछ? क्या आप लोग ही नहीं चाह रहे हैं कि शादी हो, सच क्या है बताएंगे प्लीज? मैं बता दूं आपको सच, आप लोग तो सच सुन रहे ना, पर क्या फायदा यार, आप लोग तो वही मानेंगे ना जो आपने पहले से सोचते रखा है, तो कोई फायदा नहीं इस तरह बताने का। वो मानते हैं तुम्हारी आंखें देखती हैं। अरे मेरे भाई रिलैक्स, कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता, आई मीन आंखें जो हमेशा देखती है वो सच नहीं होता, जैसे कि अभी यहाँ। योगी तो क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है ये सब? अरे बड़े पापा बताना ही पड़ेगा ना, हम कब तक सुनते रहेंगे इनकी बातें इस तरह।
ये सब बोर्ड के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, समझे ना? अगर तुमने ऐसे सबको सच बता दिया ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबको ये भी लग रहा होगा कि ये संगीत होगा या नहीं होगा, ये संगीत होगा, बट इट इज जस्ट दैट ये संगीत ना हमारे लिए बहुत स्पेशल ओकेजन है। हम बस चाहते हैं कि थोड़ा ये स्पेशल हो जाए, कुछ अच्छा मेमोरेबल क्रिएट हो जाए, इसलिए कुछ गाना, कुछ डांस, बस दैट्स इट। और हमने खुद ही उसको बोला है कि वो रूम में रहे, बाहर नहीं आए जब तक हम उसे ना खाएं। आई मीन भाभी उसे लेकर जाएंगे जब 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 तुम और मैं उसके लिए डांस करेंगे। डांस? हाँ भाई डांस। अब इनसे क्या छुपाना यार, अब तो सबके सामने आ ही चुकी है बात, तो बता देते ना नेत्रा, यहाँ थोड़ी है। Oh my God, ये सब क्या चल रहा है यार यहाँ पे? I just hope हमने जो भी प्लान किया वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। अरे तुम्हें तो टेंशन मत लो, ये सब नाटक ही तो है, दियो जी जो साथ में जो कुछ भी होगा ना दोनों मिलके कर रहे हैं। Don't worry. Okay, ये तो अच्छा है, बट कैन यू सी यहाँ पे बात किस लेवल पे पहुँच गई है? पता नहीं क्या चल रहा है यार, I'm really stressed. चिंता मत करो। क्या हुआ जी, सब ठीक है ना बेटा? जी चाची, मैं बस ये सब देख के थोड़ी स्ट्रेस्ड हो गई हूँ। चुई मैं आती हूँ, वो बस तुम्हें कंप्लेन देने के लिए साथ में थी। अरे तुम रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यही हो ना? वो एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम? ओके। कोई जरूरत नहीं स्ट्रेस लेने की, कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी शेयर करना हो, मैं हूँ ना, ये नॉलेज डॉक्टर में। ओके थैंक यू, रिलैक्स। कमाल करती, एक बार हो क्या हो गया यार, इस बार मुझे वाकई नहीं पता तुमने क्या प्लान किया है। सच कह रहा हूँ मैं, तेरी कसम मुझे नहीं पता है। पूछ अपने बेटे से। तो आप लोग इधर के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? हाँ, हम सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। हम थोड़ा पूछेंगे कि ये सरप्राइज क्यों प्लान कर रहे हैं। और रीजन इसका बहुत सिंपल है यार, ये शादी ना आपको तो पता है बहुत मुश्किल तरीके से होगी। आई मीन हम लोग के थोड़े हालात ऐसे थे, बट हम चाहते हैं कि अब जो भी हो, जैसा भी हो, वो अच्छे से हो, उसे बेस्ट बनाए, उसे मेमोरेबल बनाए हम सबके लिए। तो इसीलिए मैंने और भाई ने सोचा कि हम नेता के लिए एक छोटी सी डांस परफॉर्मेंस करेंगे, राइट? तो भाभी अभी जाएंगे उसको लेने। भाभी जाओ नेत्रा को लेके आओ जल्दी से, और उसको बताना मत कि हमने डांस परफॉर्मेंस की है उसके लिए, वरना सब खराब हो जाएगा। भाभी आपको तो पता ही है, जाओ टेक योर टाइम। हां मैं लाती हूं, लाती हूं। नेत्रा को लेने जा रहे, लेकिन लेंगे कैसे? मैं तो नहीं पाई क्यों बेहोशों के लिए, मैं तो खुद भी शायद खुद को नहीं खा सकती। उसने आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। अरे तुमसे ये बता और नेत्रा दोनों साथ में अंदर गए गए ना, तो बाहर आ गया तो नेत्रा कहाँ है? दादी सच में नहीं पता कहाँ है, कुछ पता ही नहीं है सीरियसली, इसलिए तो युग ये सब दीपिका कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। जब वो कुछ भी छुपाती है तो उसका चेहरा बदल जाता है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो है। सबको सुनाई दिया हो या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे सुनाई दी गया, मैं खुद ही जाकर पूछता हूं। विष्णु को तो कैसी है? अच्छी
कुछ चाहिए दादू? नहीं, वो क्या हुआ? क्या हुआ? बता, बात क्या है? कुछ बोलेगी? क्या? क्या? क्या बताऊँ मैं? क्या मतलब? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या चल रहा है? हमें ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। कुछ ना कुछ तो चल रहा है। क्या ना वो? क्या बोलूँ दादू? क्या पूछे जा रहे हो? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। ऐसा कुछ नहीं है जो अलग हो, जो आपको नहीं बताओ, सबको नहीं बताओ, जो मुझे बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। सच बोल रही है दादू? आपसे कभी मेरे झूठ बोले? सच ही सच सच कह रही हूँ, है ना मोहन? हाँ 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 दादू, ये जो आप लोग ऐसे मतलब कुछ भी सोच रहे हैं, हमें टाइप पता होगा जो आप लोग को नहीं पता है, कुछ नहीं पता, आपको कुछ पता है? अच्छा ठीक है, बहुत खड़ी है ना, लड़कियाँ तो बहुत खड़ी है, पर वो घाघरा पहनकर खड़ी है ना, सबसे सुंदर दिख रही है। जी पूर्वी जी, आप नेत्रा जी को लेने जा रही है ना, तो जाइए, हम वेट कर रहे हैं आपके डांस का। ये तो पूरी मुझे देख रही है, पहचान रही है क्या मुझे? यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं है, पेड़ के बीच में जाता हो यहाँ रहा तो पंगा हो जाएगा।
सुनो यहाँ बहुत भीड़ है, अगर यहाँ लड़की को उठाएंगे तो शोर मचा देगी। एक काम करते हैं, इसको कुछ पिला देते हैं, उसके बाद लड़की हमारे काबू में। मेरी बात तो सही कह रहा है, सही करते चप्पर हमारे काम का समझ। तो रोक ही नहीं पाया खुद को, तुम्हें बस अपनी आंखों के सामने रखना था, तो मैं आ गया।